या तो मार्केट फ्लैट होके साइडवेज भी जा सकता है, टाइम वाइज भी करेक्शन कर सकता है, उसके बाद ब्रेकआउट दे सकता है और ऊपर की साइड निकल सकता है। तो आने वाले टाइम में जो है हम 500 के ऊपर भी जा सकते थे या तो मार्केट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो सबसे पहले जो है हम फिन निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे आज मार्केट ने क्या किया और कल मार्केट क्या कर सकता है। आज ये डेली कैंडल का चार्ट है। अगर आप देखोगे आज मार्केट ने कहीं ना कहीं ये डोजी के बाद यहाँ पे ऊपर साइड सस्टेन करने की कोशिश की है, जो 20,900 जो लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। और कल के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वाला जो लेवल है 21,020 का, 20 से लेके 30, इसके ऊपर अगर निकलता है तो मार्केट ये वाला जो सपोर्ट है यहाँ पे एक बार टच कर सकता है 21,140 का। और अगर उसके ऊपर निकलता है तो ये गैप भी कल फिल हो सकता है 21,400 का, यहाँ तक मार्केट कल देखने मिल सकता है हमें। ये डेली का जो क्लोजिंग है ये काफ़ी अच्छा हमें मिला है। अभी हम 15 मिनट्स में देख लेते हैं। मैंने ये लेवल्स जो है प्लॉट करके रखा हुआ है पहले से ही, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले विदाउट जो लेवल्स है उसे हम पहले एनालाइज करते हैं। आज अगर देखोगे हम 5 मिनट का चार्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक सेल ऑफ आया था मार्केट में, तो ये सेल ऑफ आने के बाद जो है मार्केट ने फिर से रिकवरी दिखाई है। सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी जो है ये वाला सेल ऑफ आया था कम से कम 10-10:30 बजे के आसपास। तो मार्केट ने ये जो फॉल था उसका रिकवरी फिर से एक बार दिया है और हायर साइड में जो है यहाँ पे क्लोजिंग हमें मिली है। तो ये कहीं ना कहीं बुलिश साइन होता है, ये ऊपर की साइड जो क्लोजिंग मिला है हमें। तो इसके एक बार हम देख लेते लेवल्स और इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से होने वाले कल के लिए। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल जो होने वाले हैं मैं इसे मार्क कर देता हूँ। अगर आपको सेलिंग करनी है तो ये जो 800 का लेवल है इसके नीचे आप सेल कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसे मार्क कर देता हूँ प्राइस लेवल से 20,800 के नीचे ही अगर आपको सेल करना है, तो इसके नीचे जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता है तो आप कोई भी पुट साइड के लिए पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे टच करके फिर से एक बार रिकवरी दे सकता है। अगर मार्केट में आपको पुट साइड एंट्री करनी ही है तो 800 के नीचे ही करोगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है इस जोन में, यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है और ये जो हाई है आज का 900, इसके ऊपर अगर निकलेगा मार्केट 900 के ऊपर, 20,900 ये जो है, या 934 के 30 के ऊपर आप कॉल साइड में पोजीशन बना सकते हो। यहाँ पे इसे भी हम मार्क कर देते हैं 20,930 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आप ऊपर की साइड पोजीशन बना सकते हैं। तो इसका ऊपर का जो टारगेट होगा 21,000 का होगा हमारे लिए, इसे भी मैं मार्क कर देता हूँ। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। इसके अगर आपको लेवल्स में परफेक्ट लेवल्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अगर अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, यहाँ पे जो QR कोड दिख रहा है आपको, इसे आप अपने मोबाइल से स्कैन करके जुड़ सकते हो, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। 21,000 ये हमारा टारगेट होने वाला है। यहाँ पे मार्केट कुछ देर रुक सकता है और यहाँ पे नीचे की साइड अगर मार्केट निकलता है, यहाँ पे फ्लैट इसी जोन में अगर ओपन होता है और नीचे की साइड अगर निकलता है, तो जब तक 800 का लेवल आप नहीं ब्रेक नहीं करता मार्केट, तब तक आपको पुट साइड में पोजीशन नहीं बनानी है। अगर नीचे की साइड देखोगे तो ये वाला जो स्विंग लो है यहाँ तक एक बार मार्केट टेस्ट कर सकता है, ये लेवल जो कि है 20,750 का, ये इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है। और उसके बाद अगर देखोगे तो ये 600 का जो लेवल है ये मार्केट एक बार टेस्ट कर सकता है। ये 650 सबसे पहले ये 700 पे अटकेगा, यहाँ पे 780 के बाद में 700, ये हमारा होगा सेकंड टारगेट। और ये वाला जो जोन है ये वाला होगा हमारा 630 से लेके 600 का जो ये वाला जोन है ये होगा हमारा फाइनल टारगेट फिन निफ्टी में डाउन साइड के लिए, अगर मार्केट करेक्ट करता है तो। लेकिन जहाँ तक दिख रहा है जैसे क्लोजिंग हमें मिली है तो ये काफ़ी बुलिश साइन दिखा रहा है। जो क्लोजिंग हमें मिली है उस हिसाब से तो ऊपर साइड ही हम बायस जो रहेगा
कॉल सेट करेगा, अगर गैप अप ओपन होता है 935 के ऊपर या ये जो हाई लगा चुका है 960 का, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फर्स्ट टारगेट आपका 21,000 होगा। उसके बाद में लाइव मार्केट में हम लेवल प्रोवाइड कर देंगे। तो ये थे फिन निफ्टी के लेवल्स इंपॉर्टेंट कल के लिए। अभी हम निफ्टी का देख लेते हैं एक बार। निफ्टी का अगर देखोगे तो मैं इसके हाइड कर देता हूँ। तो ये अगर देखो कि एक मार्केट ने जोन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर ही मार्केट था। तो मैंने ये कल के ट्रेडिंग कल का जो एनालिसिस वीडियो था इसमें बोला था मैंने कि मार्केट यहाँ पे एक तो साइडवाइज जाके टाइम वाइज करेक्शन कर सकता है, या तो नीचे आके कुछ डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग भी अगर देखोगे डेली में अगर देखोगे तो यहाँ पे होल्ड कर रहा है हायर साइड में। तो ये भी कहीं ना कहीं बुलिश साइन हमें दिख रहा है। और ये वाला जो रैली आया था कल के मार्केट में, तो ये साइडवेज जाके टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें ऊपर की साइड लेवल दिख सकते हैं, जो मैंने आपको लेवल्स अभी भी जो है यहाँ पे वैलिड है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मेरा कल का ये व्यू था कि एक तो मार्केट साइडवेज जाके फिर ब्रेकआउट देगा, या तो इस तरीके से यहाँ पे 300 का जो लेवल है यहाँ पे आके फिर एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाएगा। तो ये साइडवेज जाके ही टाइम वाइज करेक्शन जो है ये हमें देखने मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और जहाँ पे ओपनिंग हुआ था मार्केट का, यहाँ पे ओपनिंग हुआ था तो कहीं ना कहीं हायर लेवल पे ओपनिंग के पास ही क्लोजिंग दिया है। तो ये कहीं ना कहीं बुलिश साइन है। तो निफ्टी के लेवल जो है एज इट इज़ होंगे कल के लिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा और ये अपना आज का जो डे हाई है इसे निकालेगा तो 22,466 की फर्स्ट टारगेट 22,550 जो है ये हमारा सेकंड टारगेट होगा, और 600 जो है ये हमारा थर्ड टारगेट होगा। 600 का भी 600 से लेके 600 से लेके 630 जो है ये हमारा फाइनल टारगेट होगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। इसे भी आप मार्क करके रख सकते हो। 600 से लेके 630 का आप ये मार्क कर सकते हो। और नीचे अगर निकलेगा तो पुट साइड में अगर आपको एंट्री करनी है तो 350 का जो लेवल है इसके नीचे आप पुट साइड में एंट्री बना सकते हो। ये जो लो है इसके नीचे आपको पुट साइड की एंट्रीज बनानी है। तब तक कोई भी पुट साइड का एंट्री सेटअप नहीं बनेगा। और नीचे की साइड जो है ये लेवल भी आप मार्क करके रख सकते हो। 22,300 ये होगा हमारा इसके नीचे फर्स्ट टारगेट 50 पॉइंट्स का, और 50 से लेके 40 पॉइंट्स का। उसके नीचे अगर निकलेगा तो 22,200, उसके नीचे निकलेगा तो 22,130, उसके नीचे 22,338 से लेके 40। ये नीचे के साइड के टारगेट हैं, और ऊपर के साइड के भी आपके पास अभी टारगेट मैंने प्रोवाइड कर दिए। तो बैंक निफ्टी भी एक बार चेक कर लेते हैं हम। अगर यहाँ पे देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी जो है, गिफ्ट निफ्टी अगर देखोगे तो 22,500 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं बुलिश साइन है। और ये निफ्टी का फ्यूचर अगर देखोगे तो 22,500 पे ट्रेड कर रहा है अभी तक, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी सिमिलर है। इसमें भी एक सेल ऑफ आया था निफ्टी में, जैसे आया था यहाँ पे सेल ऑफ आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई। और ये जो 500 का लेवल है यहाँ पे मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा है। और सेलिंग अगर देखोगे तो सेलिंग यहाँ पे एक बार आई थी, उसके बाद रिकवरी दी, फिर से एक बार सेलिंग आई। तो ये जो सेलिंग था उसके कंपैरेटिवली जो है ये सेलिंग कम था, इसके भी कंपैरेटिवली ये सेलिंग कम था। तो सबसे अच्छा ये होगा कि मार्केट कल थोड़ा सा गैप अप अगर ओपन होता है 500 के ऊपर, तो ये ऊपर की साइड हमें ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं, जो कि यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है। मैंने कल के वीडियो में भी बोला था जो 48,000 का जो लेवल है यहाँ पे, जो गैप फिलिंग जो पेंडिंग है मार्केट के पास, ये कल के ट्रेडिंग सेशन में फील हो सकता है। तो इंटरेस्टिंग तब भी होगा जब मार्केट फ्लैट ओपन होके यहाँ पे 500 का लेवल जो है इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे। नीचे की साइड भी अगर आपको ट्रेड करना है तो ये वाला जो लो है यहाँ पे अगर देखोगे, एक मिनट, ये जो लो है इसके नीचे ये वाला जो 47,160 का जो लेवल है इसके नीचे पुट साइड में एंट्री बनेंगी। तब तक पुट साइड में कोई भी सेटअप नहीं बन रहा है। और 600 के नीचे अगर निकलता है,
लेवल से अगर नीचे निकलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 47,100 का होगा, और उसके बाद अगर देखोगे तो 46,923 यह हमारा फाइनल टारगेट होगा। इसमें यहाँ पे बाउंस करके मार्केट ऊपर निकल सकता है, फिर से एक बार बाउंस कर सकता है। ये सपोर्ट, ये काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट होगा हमारे लिए। तो जो बायस दिख रहा है, मतलब मेरा जो बायस है, ये तो अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर निकलेगा तो बुलिश साइड में ही है। जो करेक्शन मार्केट ने आज दिया है, यहाँ पे जो रेंज बनाया है, इसका रेंज ब्रेकआउट आप ट्रेड कर सकते हो। अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो ऊपर, और नीचे की साइड अगर ब्रेक करता है तो हम नीचे की साइड ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का एनालिसिस। आपको अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में ही ये लेवल्स प्रोवाइड कर दिए थे, और जो एनालिसिस वीडियो था आप भी वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो कोई ट्रेड सेटअप यहाँ पे नहीं बना था, मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था, यहाँ पे अगर देखोगे चार्ट में मैंने प्रोवाइड किया था। तो ये वाला जो है मेरा यूट्यूब चैनल है गोल्डन बुल्स नाम से, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने काफ़ी वीडियो जो है, कुछ अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए करते हो, कुछ मल्टीबैगर्स अगर आप ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कुछ लॉन्ग टर्म के लिए शेयर जो होते हैं उनके एनालिसिस वीडियो हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, तो आप ये सब चेकआउट कर सकते हो, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। यहाँ पे डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के एनालिसिस वीडियो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ये जो सब है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे प्रोवाइड करते जो वीडियोज़ होते हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।